एक्सिस बैंक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड, आधार कंसेंट देंगे, आई एग्री। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे, इसके बाद कंफर्म ओटीपी। आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स को फेच किया जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपके नंबर पर एक लिंक एसएमएस कर दिया जाएगा। किसी वजह से अगर आपका ये प्रोसेस स्टॉप होता है तो आप एसएमएस में भेजे गए लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को किसी भी टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। आधार कार्ड से ये आपकी डिटेल्स फेच कर लेगा, जैसे कि आप अपना फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, इसके बाद वेरीफाई। ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे, इसके बाद कंफर्म ओटीपी। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन टाइप चूज करेंगे, आप काम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स चूज करेंगे यानी आपकी इनकम कैसे होती है। नीचे आप अपनी एनुअल इनकम डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। सेकेंड स्टेप में आप फैमिली डिटेल्स फिल करेंगे, तो इसमें आपको फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है, इसके बाद मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि नॉमिनी का नेम, उसका आपसे क्या रिलेशन है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद नेक्स्ट। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको आप यस कर देंगे, और अगर आप बैंक से कम्युनिकेशन एड्रेस कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो इसको आप नो करेंगे, और यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर देंगे जो आप बैंक के साथ रखना चाहते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस कैसा है, आपका अपना है, रेंट पर है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसमें आप चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे, आपके आसपास में एक्सिस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। इसको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जिस ब्रांच में भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड। आपके सामने कम्प्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी, आप सभी डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और एक ब्लैंक पेपर और पेन। वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आप कनेक्ट टू एन एजेंट पर क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से एक एजेंट को फाइंड किया जाएगा। वीडियो कॉल के लिए आपको कैमरा और माइक्रोफोन को यूज करने की परमिशन देनी होगी, तो इसको आप अलाउ करेंगे। इस तरह से एजेंट कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर आप एजेंट का नेम देख सकते हैं। बैंक की तरफ से एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, वो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, ब्लैंक पेपर पर आपसे सिग्नेचर कराएगा। इसके बाद आपके वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको फंड ऐड करना होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको 3,000 रुपीज, और छोटे शहर से हैं तो 5,000 रुपीज, और बड़े शहर से हैं तो आपको 10,000 रुपीज इस अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। अगर आप चाहें तो अभी बैलेंस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ डेबिट कार्ड का चार्ज अभी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डेबिट कार्ड का चार्ज पे करना है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस के साथ साथ ही इनिशियल फंडिंग भी अभी ऐड करनी है तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे। फंड आप तीन तरीकों से ऐड कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड्स। जैसे ही फंड ऐड हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आपके सामने आपकी बैंक डिटेल्स और आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा। डेबिट कार्ड का आप यहीं से पिन सेट कर सकते हैं, सेट पिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड का एक पिन सेट कर लेंगे। नीचे आपको आपके सेविंग अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएगी। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करेंगे तो यहाँ से आप अपने सेविंग्स अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये अकाउंट फुल KYC के साथ ओपन होता है, तो आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आप घर बैठे एक्सिस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।